प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों को पढ़ते वक्त हमें सही मार्ग में आप चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। यहोशू अध्याय 16। फिर यूसुफ की संतान का बाग चिट्टी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और एरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेतेरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनशे और इब्राहिम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। इब्राहिमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके बाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेतेरोन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर से मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तान तशीलों को पहुंची और उसके पास से होते हुए यानो तक पहुंची। फिर यानो से वह अतारोत और नारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यर्दन पर निकली। फिर वही सीमा तप्पू से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। इब्राहिमियों के गोत्र का बाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के बाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत इब्राहिमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनकी इब्राहिमियों ने वहां से नहीं निकला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। आमेन। यहोशू अध्याय 17। फिर यूसुफ के जेठे मनशे के गोत्र का बाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनशे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकिर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। इसलिए यह बाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, अस्त्रियेल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर, जो गिलाद का पुत्र माकिर का पोता और मनशे का पर पोता था, उसके पुत्र सलोफात के बेटे नहीं बेटियां ही हुई और उनके नाम मैला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलियाजार याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया। तब मनशे को यर्दन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनशेइयों के बीच में मनशेई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनशेइयों को गिलाद देश मिला। मनशे की सीमा आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर येनतपुओ के निवासियों तक पहुंची। तप्पू की भूमि तो मनशे को मिली, परंतु तप्पू नगर जो मनशे की सीमा पर बसा है वह इब्राहिमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनशे के नगरों के बीच में थे तो भी इब्राहिम के ठहरे और मनशे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो इब्राहिम को और उत्तर की ओर का मनशे को मिला और उसकी सीमा समुद्र ठहरी और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इसाकार से जा मिली। और मनशे को इसाकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, इबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी और अपने नगरों समेत मगिदो के निवासी
ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले, परंतु मनशेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे बाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्राइम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिजियों और रुपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्राइमी क्या मनशेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। आमीन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अधिकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा गमन क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाला 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तिमुतियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं,
परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? आमीन। उत्पत्ति अध्याय 15। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दशमिक वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेड़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोतों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को बारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ वह वाचा बांधी। मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हितियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसे हम पढ़े थे। परमेश्वर, अब्राहम के साथ आप रहकर उसे दाढ़स बांधकर उनके साथ आप थे, उसी प्रकार हमारे साथ भी रहकर हमारा डाल बनकर हमारा अत्यंत प्रतिफल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे अब्राहम को अपने आशीष किया, जिसे वो गिन नहीं पाया, उसी प्रकार हमें भी आशीषदायक बनाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू।